दोस्तों एक तरफ बॉलीवुड की जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा रक्षाबंधन और दोबारा, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं। इनका बहुत बड़ा कट चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि इस फिल्म को दर्शकों ने, जनता ने इस देश की पूरी तरह से नकार दिया है। ये फिल्म अपने प्रॉफिट तक भी नहीं पहुंच पाई है और 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पा रही है। वहीं पर साउथ की जो फिल्म है जिसका प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं की गई थी, जिस फिल्म का ट्रेलर वृंदावन में लॉन्च किया गया था, उस फिल्म पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना, जिस फिल्म को बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिली थी, गिनकर कुछ स्क्रीन मिली थी, उस फिल्म को अब स्क्रीन ही स्क्रीन मिल रही है। शो की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। ये फिल्म 60 करोड़ पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि सैटरडे और संडे, खासकर मंडे तक, ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही आसानी से पार कर जाएगी। और इस फिल्म के जो फिल्म मेकर हैं बहुत खुशियां मना रहे हैं, दोनों ही फिल्मों के, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या कार्तिकेय 2, दोनों के प्रोड्यूसर एक ही हैं, अभिषेक जी। और इस फिल्म के पीछे पैसे उन्होंने लगाए तो बेहद कम है, लेकिन इस वक्त वो करोड़ों के मुनाफे में खेल रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जो थी वो सत्य घटना पर आधारित थी, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ था उसे दिखाया गया, तो लोगों ने जमकर उसका समर्थन किया सच दिखाने के लिए। और दूसरी जो है कार्तिकेय 2, वो प्रभु की लीला, उसमें अपरंपार है। बहुत सारे पत्रकारों ने लिखा कि इसमें सिर्फ भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, इसे क्या देखना, लेकिन लोग देख रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। और इस फिल्म ने 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और ये फिल्म रोके नहीं रुक रही है, अभी भी इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ पहुंच रही है।